वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक के AKTU MCQ मॉडल पेपर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर। तो किस ऑथर ने, नीचे दिए गए चार ऑथर के नेम हैं, JB से, बी ऑप्शन है जेस कंप्यूटर, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ और डी ऑप्शन है पीटर डकर। तो इन चार में से किसने जो है एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर कहा है, किसने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योर को एज एन इनोवेटर, कि वो इनोवेशन करता है। तो अगर आपने अच्छे से डिफिनेशन पढ़ी होंगी तो आप इसलिए आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन है बी, यानी जे इस कंप्यूटर ने ये कहा है कि एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस टू क्रिएट वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड। यानी कि प्रोसेस जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी है लीडरशिप एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि ऊपर में तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि द प्रोसेस टू क्रिएट वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करके वैल्यू को क्रिएट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैल्यू क्रिएट करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटेड डिस्ट्रक्शन। अभी आपने पीछे पहला क्वेश्चन देखा था कि किसने एंटरप्रेन्योरशिप एज एन इनोवेटर कहा है, तो वहाँ पे जेस कंप्यूटर था। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक नया क्वेश्चन आया है कि हु हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है JB से, ऑप्शन बी है रिचार्ड कैंटिलोन, ऑप्शन सी है जेस कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि जेस कंप्यूटर ने ही कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप रिकॉग्नाइज किया था उन्होंने कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इंडिविजुअल हु इज एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी एंड इज इन चार्ज ऑफ आइडेंटिफिएबल एक्टिविटी इज कॉल्ड। एक इंडिविजुअल जो कि किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और वो आइडेंटिफिएबल एक्टिविटी का इंचार्ज है, तो उसको क्या कहेंगे। तो ये डिफिनेशन अच्छे से आपने पढ़ी भी होगी कि ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए है इकोप्रेन्योर, ऑप्शन बी है टेक्नोप्रेन्योर, ऑप्शन सी है एंटरप्रेन्योर और ऑप्शन डी है एंटरप्रेन्योर। तो अगर आपने ध्यान से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि एम्प्लॉय यानी किसी कंपनी के अंदर जो एज ए एम्प्लॉय होता है और वो जब कोई रिस्क लेता है, कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर डी, यानी ऑप्शन डी ही आंसर होगा, एंटरप्रेन्योर। उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। वो एक इंडिविजुअल होता है जो कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता है और वो इंचार्ज होता है किसी आइडेंटिफिएबल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्मा डिटर्जेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू मीट द डिमांड ऑफ लोअर इनकम ग्रुप। जो निर्मा डिटर्जेंट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम जो लोअर इनकम ग्रुप के डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। इट कम्स अंडर विथ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये किस क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर के अंडर आएगा, कि किसी को रिकॉग्नाइज करके निर्मा डिटर्जेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया लोअर इनकम ग्रुप की डिमांड को देखते हुए। तो ये कौन सा फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी है अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड ऑप्शन सी है सप्लाई ऑफ कैपिटल, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा फंक्शन दिखाता है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर ऑप्शन इज डी। कहीं कहीं पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आंसर भी मिलेंगे कि कंफ्यूजन होंगे कि रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है, कि अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज की कि लोअर इनकम ग्रुप के पास अपॉर्चुनिटी है और आपने जो है उसको डिमांड को फुलफिल किया है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को आपने रिकॉग्नाइज भी किया, रिसोर्स को अरेंज भी किया और सप्लाई ऑफ कैपिटल भी दिया, कैपिटल भी सप्लाई किया ताकि तभी तो वो प्रोडक्ट बना और जो है फाइनली कस्टमर तक पहुंचा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इमर्जेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। यानी कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग इमर्जेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में इमर्ज हुआ है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है अवेकनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी अवेक हुई। बी है जेंडर इनइक्वलिटी। सी है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग इमर्जेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क अज्यूम्ड बाय एंटरप्रेन्योर। यानी कि नीचे दिए गए चार रिस्क में से कौन सा रिस्क है जो कि अज्यूम नहीं किया जाता एंटरप्रेन्योर द्वारा। इज नॉट अ रिस्क अज्यूम्ड बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर द्वारा वो रिस्क अज्यूम नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्शन बी है मार्केट रिस्क, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन रिस्क एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव।
तो यानी कि ऊपर में से कोई भी रिस्क नहीं, तो आंसर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि नॉट रिस्क, जो ऊपर तीनों रिस्क हैं वो अज्यूम किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर द्वारा, तो ये कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है जो कि अज्यूम नहीं किया जाता है एंटरप्रेन्योर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश आर कैरेक्टराइज्ड बाय अडॉप्टिंग द सक्सेसफुल इनोवेशन ऑफ अदर। तो अगर आपने टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा है तो उसमें आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो कि कैरेक्टराइज, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या करता है, कि अडॉप्ट करता है किसी दूसरे के इनोवेशन को, सक्सेसफुल इनोवेशन के। तो ए ड्रोन एंटरप्रेन्योर, बी ऑप्शन है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, सी है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, डी है फेवियन एंटरप्रेन्योर। तो इजीली से आंसर इसका क्या है, बी इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीज एंटरप्रेन्योर्स आर लेजी एंड शाई एंड लैक द विल टू अडॉप्ट न्यू मेथड। तो यहाँ पे भी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर सही क्वेश्चन है, कि ये नीचे ऑप्शन दिए हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर और फेवियन एंटरप्रेन्योर। तो इनमें से एक ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि लेजी होता है, शाई होता है और न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करने में पीछे रहता है। तो ऑप्शन इज डी फेवियन एंटरप्रेन्योर। फेवियन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, वो लेजी होते हैं, शाई होते हैं और वो नए मेथड को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें कि इनहेरिटेंस पे बेस्ड होती है, यानी कि पहले आपके जो पेरेंट्स थे वो लोग चलाते थे, फिर आपने चलाना स्टार्ट कर दिया, तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी रूरल, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि फैमिली से आती है, इनहेरिटेड होता है ना, इनहेरिटेड इनहेरिटेंस, तो फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।